पब्लिक टीवी आपकी आवाज। और बड़ी खबर आ रही है चंदौली से। पुलिस टीम के साथ बदमाशों के गैंग से नेशनल हाईवे 2 पर मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश राजीव सिंह को पैर में गोली लगी है। कार सवार बदमाश सुरेश यादव और घायल राजीव सहित कुल 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना में एक बदमाश घायल, कार सवार एक अन्य बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर रामगंगा टेंगरा मोड़ स्थित एक मकान पर टीम ने छापा मारा था। लगभग 36 घंटे पहले थाना क्षेत्र बलुआ अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें एक जो डॉक्टर हैं उनको, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनको कुछ व्यक्तियों के द्वारा अगवा कर लिया गया था। इस घटना पर थाना बलुआ में FIR दर्ज की गई तथा इस पर विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। इस पर हमको यह सूत्र मिले कि कुछ व्यक्ति हैं जो इस अगवा करने के एवज में फिरौती मांग रहे हैं इनके परिवारीजनों से। इस सूचना पर हमने पुलिस की टीमें बनाई और इन सभी टीमों से आपसी समन्वय के चलते ये आज हमने इसको वर्कआउट कर लिया है घटना को। और इस समय हम जहां पर हैं, यहां से 2 लोग जो कि फिरौती की रकम को बरामद करके ले करके और भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पुलिस टीमों ने घेर करके और पकड़ लिया है। उनमें से एक व्यक्ति जो है उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की तो आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में उसे इंजरी है, फायर शॉट इंजरी है। और इसके अलावा जो अपहृत हैं उन्हें भी बरामद कर लिया गया है। और वहाँ से जहाँ पर अपहृत रखे गए तो उस जगह से भी 2 और लोग पकड़े गए हैं, किडनैपर्स पकड़े गए हैं। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। जो घायल है उसको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है और लोगों से को भी कस्टडी में लेकर और अन्य किन किन लोगों की इसमें भूमिका है इस तरीके की घटना में फिरौती की, उस पर भी काम अभी जारी है जी। इसमें इनसे जो फिरौती मांगी गई थी वो 70 लाख के की थी, जिसमें ये 40 लाख, इनके परिवारजन 40 लाख 50 हज़ार इनको दी थी, जो कि पूरी तरह 100% बरामद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।